नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मैटर्स की हम इनको पॉइंट्स में डिवाइड करके देखते हैं. फर्स्ट स्टेट, नॉन मैटर्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड. तीनों स्टेट में मिलते हैं. सॉलिड स्टेट जो है उसमें जो मिलता है वो कार्बन मिलता है ग्रेफाइट के रूप में, डायमंड के रूप में, सल्फर मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है सॉलिड स्टेट में. लिक्विड में देखें तो आपका ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. गैसियस स्टेट में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये आपकी लिक्विड स्टेट में मिलने वाले नॉन मेटल्स हैं. अब अगर हम कलर देखें तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं. जैसे आपका ब्रोमीन जो है वो वायलेट कलर का होता है और क्लोरीन जो है येलो कलर का होता है. फास्फोरस में भी येलोइश कलर दिखाई देता है, फास्फोरस ब्लैक और रेड कलर का होता है. कार्बन ब्लैकिश कलर का होता है. डायमंड में जो कार्बन है वो एकदम चमकीला होता है. तो वेरियस कलर्स में मिलते हैं. अगर इसकी सॉफ्टनेस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं. लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो जो आपका ग्रेफाइट है और इसके अलावा आपका ग्रेफाइट जो है ये ब्रिटल होता है, ये सॉफ्ट ना होके भंगुर ब्रिटल होता है. और डायमंड जो कार्बन का ये एक रूप है, डायमंड वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे वर्ल्ड का, अर्थ का. तो एक्सेप्शन हो गए ग्रेफाइट और आपका डायमंड. लस्टर की बात करें तो नॉन मेटल्स आर डू नॉट हैव एनी लस्टर. इनमें कोई लस्टर नहीं होती, कोई चमक नहीं होती लाइक मेटल्स. बट यहाँ भी एक्सेप्शन है. जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ये लस्ट्रस होता है. ग्रेफाइट में लस्टर होता है, चमक होती है. यहाँ पे भी आपका डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों आपके एक्सेप्शन है. अब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी लो. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है जबकि नॉन मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज नॉट वेरी लो, इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब हम डक्टाइल और मैलिबिलिटी की बात करें. डक्टाइल मतलब इनको हैमर करके शीट में चेंज करना, मैलिबिलिटी मतलब इनको वायर में चेंज करना. तो मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल नॉट मैलिबल. इनको ना तो हम शीट में चेंज कर सकते हैं ना ही वायर में चेंज कर सकते हैं. अब हम ये दोनों क्वालिटी नहीं है इसमें. अब हम सोनोरस साउंड की बात करें. जैसे मेटल्स को हमने स्ट्रक किया तो उनमें एक रिंगिंग साउंड आती है, दैट इज सोनोरस साउंड. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी सोनोरस साउंड. इनमें कोई सोनोरस साउंड, रिंगिंग साउंड नहीं होता है. कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर. नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर नहीं है, अच्छे कंडक्टर नहीं है. पर यहाँ पे भी आपका एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. डेंसिटी की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है. बट ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है ये बहुत हाई होती है. ग्रेफाइट की डेंसिटी हाई होती है या ग्रेफाइट मोस्टली सारी स्थिति में देखिए आप ग्रेफाइट एक्सेप्शन के रूप में
आता है। तो ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो आप सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब जैसे हमने देखा था मेटल्स के जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, इसी तरह से जब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब ये ऑक्साइड, ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एसिड में चेंज होते हैं। जैसे अब हम देखें, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अब ये अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2CO3 और इसका नाम है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर इसका लिटमस टेस्ट किया जाए तो आपको लिटमस टेस्ट में दिखाई देगा कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है। किसमें टर्न हो जाता है? ब्लू में। यानी कि ये एसिडिक इन नेचर है, यानी कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, सल्फर। सल्फर की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो बनेगा H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिडिक इन नेचर। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं आगे रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद क्लोरीन, Cl2। जब क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई जाती है नॉन मेटल्स की तो क्लोराइड्स बनते हैं। जैसे ये आपका फास्फोरस है, फास्फोरस रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ तो ये बनेगा फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड। इसी तरह से कार्बन क्लोरीन के साथ क्रिया करे तो बनेगा कार्बन क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। तो ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन विद क्लोरीन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स एसिड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड, एसिड और वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस, इनके यूज क्या क्या है। यूजेस, यूज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं कार्बन का, जिसमें ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जैसे कि हमने आपको बताया, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका हम ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के काम लेते हैं ग्रेफाइट को।
क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्रेफाइट, और एक आपकी जो पेंसिल होती है उसमें लीड के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है, तो ये ग्रेफाइट का यूज हो गया। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसका यूज हम करते हैं रॉकेट में फ्यूल के रूप में, एस फ्यूल, फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनियम फास्फेट, इस तरह की फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो कि फार्मिंग में यूज होते हैं, तो इसका यूज हो गया फर्टिलाइजर के रूप में। इसके बाद अगर हम देखें सल्फर, सल्फर का यूज मेनली होता है एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह बनाने में। इसके अलावा आपकी जो दिवाली पे क्रैकर्स बनते हैं उसमें भी सल्फर का यूज होता है। डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है उसका यूज ज्वेलरी को डेकोरेट करने में किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।